भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन में दूसरा टेस्ट मुकाबला जारी है। दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भी दक्षिण अफ्रीका की टीम ढेर नजर आई। भारतीय टीम जहां 153 रनों पर पहले दिन ऑल आउट हुई, तो उससे पहले अफ्रीका खुद 55 पर ऑल आउट हो गई थी। ये टेस्ट मुकाबला दो दिन के भीतर समाप्त होने के पूरे पूरे आसार पर है, क्योंकि पहला सत्र समाप्त भी नहीं हुआ और दक्षिण अफ्रीका भी बिखर गई। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के लिए एक भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाया, सिवाय एडन मार्करम के। वैसे तो ये मुकाबला बल्लेबाजी के लिए याद किया ही जाना नहीं चाहिए, इतनी खराब बैटिंग हुई। इंडिया को ही देख लीजिए, 153 पर 4 से 153 पर ही ऑल आउट, आखिरी 6 विकेट 0 पर। वहीं दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो उनका तो हाल भारत से भी बुरा रहा। पारी में 55 रन पर ऑल आउट हो जाना ये दर्शाता है कि आप तो अपने घर में भी अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। खैर, ये पूरा टेस्ट गेंदबाजी के लिए याद किया जाएगा, खास करके मोहम्मद सिराज और बुमराह, जिन्होंने अलग अलग पारी में 5-5 विकेट हासिल किए। अब कुछ बात करते हैं बल्लेबाजी की। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस मुकाबले में कुछ भी अच्छा ना घटा हो। दरअसल में इस मुकाबले में एडन मार्करम ने अच्छी बल्लेबाजी की। एडन मार्करम ने शतक लगाया, 106 रनों की पारी उन्होंने खेली और टीम के आधे से ज्यादा रन, ये मान लीजिए 75% रन ही उन्होंने लगा दिए दूसरी पारी में। एडन मार्करम ने प्रसिद्ध कृष्णा के पहले ओवर में 20 रन बटोरे। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। इसके बाद उन्होंने जसप्रीत बुमराह के ओवर में ही बाउंड्री लगाकर अपने शतक को अंजाम दिया था, लेकिन शतक लगाने के कुछ समय बाद ही वो आउट हो गए और मोहम्मद सिराज ने अपना पहला विकेट निकाला दूसरी पारी में। एडन मार्करम की बात करें तो बल्लेबाज ने इस पूरे ही मैच में, इस पूरे ही सीरीज में कुछ खास किया नहीं था, लेकिन अंतिम पारी में शतक लगाकर उन्होंने अपने टेस्ट की जगह फिर से स्थापित कर दी है और कह सकते हैं बचा ली है। एडन मार्करम की बात करते हैं, ये केप टाउन में लगाया गया किसी भी दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज शतक रहा है और जिस तरह से उन्होंने पारी खेली है वो कहीं ना कहीं अपनी टीम को बचाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन क्या वो मैच बचा पाएंगे, क्या दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज टीम इंडिया को जीतने से रोक पाएगी, ये अब दूसरे दिन के अंत तक पता लग ही जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए वन इंडिया के साथ।